नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल इनकम टैक्स लॉ अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आज 6 दिसंबर 2021 को इनकम टैक्स के दो सर्च ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी, एक दिल्ली और दूसरा वेस्ट बंगाल में। पहला जो सर्च ऑपरेशन है जो दिल्ली में किया गया, जिसने एक बेनिफिशियरी ट्रस्ट क्रिएट कर रखा था और उसके अंडरलाइंग जो कंपनी थे जो लो टैक्स ओवरसीज ज्यूरिडिक्शन में थे, रेजिडेंस और बिजनेस प्रीमाइजेस ऑफ द एसएससी कवर इन सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन में क्या क्या रिवेल हुआ है देखते हैं। अनडिस्क्लोज एंटिटीज इन द लो टैक्स ओवर सी ज्यूरिडिक्शन होल्डिंग एसेट वर्थ 40 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल एसेट। टैक्स पेयर वाज अवेलिंग हैंडलिंग सर्विसेज ऑफ द फॉरेन बैंक हैविंग ब्रांच इन इंडिया दैट ऑफर्स वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, एसेट एलोकेशन, इक्विटी रिसर्च, फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड फिड्यूशियरी सर्विसेज। सर्च ऑपरेशन के दौरान कोलैबोरेटिव एविडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ द ईमेल एंड डॉक्यूमेंट हैव बीन फाउंड एस्टैब्लिशिंग हिज बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ द फॉरेन एसेट। इन हिज स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द सर्च, एसएससी एडमिटेड द ओनरशिप ऑफ द फॉरेन एसेट all at the business premises, one hard disk containing data in the form of the parallel set of books of account has been found. A preliminary analysis of such gathered evidence indicate under a statement of the domestic income to tune of the rupee 30 crore from business undertaken in India. Further investigation are under progress. Dusre search operation mein वेस्ट बंगाल में जो सर्च ऑपरेशन हुआ उसमें डिपार्टमेंट ने कोलकाता बेस्ड ग्रुप पर छापा मारा, तो उसमें एक वो जो ग्रुप जो है टीएमटी बार एंड स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग में है और उसके 20 प्रीमाइजेस जो है वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में, उसमें सर्च ऑपरेशन किया गया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान अनअर्थ वेरियस मेथड ऑफ द टैक्स इवेजन, बहुत से टैक्स इवेजन के बहुत से मेथड इसमें मोडस ऑपरेंडी में पाए गए हैं। इसके लार्ज नंबर ऑफ द इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड डिजिटल डाटा डेमोस्ट्रेटिंग हाई वैल्यू अनअकाउंटेड कैश पेमेंट, अनअकाउंटेड कैश परचेज एंड सेल्स, सप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एटसेट्रा हैज बीन फाउंड एंड सीज्ड। Preliminary analysis of this evidence revealed that many paper or sale companies are run by the group to provide accommodation entries to its flagship concern. These sale entities were found to have routed back their unaccounted money in the guise of share capital or unsecured loans into books of the account. Such modus operandi has been admitted by one of the key person of the group. Search action resulted seizure of unaccounted cash of 75 lakh rupees and jewelry value 2.26 crore rupees, while certain bank lockers have been placed under restraint. Search action so far has led to detection of total unaccounted income of around 100 crores. Further investigation are under progress. Thank you so much for watching this update.